नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं अर्निंग जोन। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑफर बताने वाला हूँ जिसमें आप आज तो 32 40 रुपीज़ अर्न करोगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बार ही अर्न करोगे, आपने आज अर्न किया 30 से 40 रुपये एक डिवाइस से, आप फिर से मतलब 2 दिन बाद फिर से आप 30 से 40 रुपये अर्न कर सकते हो, और उसके 2 दिन बाद फिर से आप 30 से 40 रुपये अर्न कर सकते हो, उसके 2 दिन बाद फिर से आप अर्न कर सकते हो। मतलब इस तरह से आप अर्न कर सकते हो आप एक डिवाइस से। अगर आपके पास और भी डिवाइस है या आप अगर लिमिटेड ट्रिक अप्लाई कर पाते हो तो आप सोच लो कितना अर्न कर सकते हो। लेकिन भाई, ये जो ऑफर है ये है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ, और भाई इसी चक्कर में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप लोग वीडियो को 2x में या उससे भी ज्यादा स्पीड में अगर देख सकते हो तो देख लेना, मतलब थोड़ा स्किप कर करके भी देख लेना आपको। लेकिन बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बस मेन मोटिव यही था, और इसी कारण से वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है। लेकिन ऑफर बहुत ही तगड़ी है भाई, मतलब आप ये समझ लो, मैं आपको बस ऐसे शॉर्ट में बता देता हूं। आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन करना है और आप एक यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए 7 से 10 रुपए मिल सकता है। एक यूपीआई ट्रांजेक्शन किया आपने, आपको 7 से 10 रुपये मिल गया। आपने एक फिर से किया, फिर से आपको 7 से 10 रुपये मिल गया। तो इस तरह का कुछ ऑफर है, और मतलब क्या ही बोलूँ भाई, ऑफर बहुत ही अच्छी है। आप खुद देख लेना, समझ लेना और फिर आप इसे अप्लाई कर लेना। तो भाई देखो, अभी तक तो ऑफर काम कर रही है, बहुत तगड़ी, अच्छे से काम कर रही है। मैं बहुत सारा मनी भी अर्न किया हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका प्रूफ भी दे दूंगा। लेकिन इसमें जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन नहीं हो तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको कोई भी अपडेट आएगी इस ऐप से रिलेटेड या बाकी कोई और भी ऐप से रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा। तो भाई देखो, इस वीडियो को भी मैं दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था। मतलब एक ऐप खोल रहा हूँ, फिर दूसरा ऐप खोल रहा हूँ, फिर से तीसरा, मतलब इसमें इस तरह से चल रहा था, तो आप लोग कन्फ्यूज जाते। बस इसीलिए मैंने पूरा वीडियो को दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया है। तो भाई अच्छे से देख लेना, समझ लेना और इस ट्रिक को अप्लाई करके बहुत सारी अर्निंग कर लेना। तो भाई देखो, ऐप का नाम है सेव इन, हो सकता है आप में से बहुत लोग को पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता है भाई उनको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। और देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऐप है स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना मतलब 7 8 रुपए के लिए कितना मुश्किल है, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन अगर एक बार आप इस ऑफर को समझ जाते हो अच्छे से तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे। आप हर 2 3 दिन में, अगर आपके पास एक ही डिवाइस है तो आप हर 2 3 दिन में 30 40 रुपये 30 40 रुपये करके कमाओगे। मतलब ऐसा होने वाला है भाई, लेकिन मैं एक एक बार आपको समझना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में समझाऊं, भले ही वीडियो लंबा हो जाए। अगर आपको जब भी वीडियो समझ में आ जाता है, जब भी ट्रिक समझ में आ जाता है, तो फिर आप उस ट्रिक को उस वहीं से छोड़ के जा सकते हो। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने का। तो आप लोग एक एक स्टेप को अच्छे से समझ ले, फिर इस ऑफर को अप्लाई करें। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। मैं आपको इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो पहले आप ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपके सामने देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के वेरीफाई करना होता है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद आपसे यहाँ पे आपको आपका नाम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। तो आप अपना यहाँ जो जो डिटेल्स पहले डाले हो वही डिटेल्स सही से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे डिटेल फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप किस सिटी में रहते हैं। तो देखो, आप यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेना, और कोई और भी अगर आप है तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें से भी कोई एक सेलेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेना, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड जो आपको रखना है आप रख लेना, और इसके बाद यहाँ पे सेट पासवर्ड पर क्लिक करना। तो इसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक इनेबल करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे डू इट लेटर कर देता हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट सेविंग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स डाल देना। याद रखें, जिसका नाम आप पहले डाले होंगे सेम नेम आपका यहाँ भी होना चाहिए। तो अपना अकाउंट का डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो इसके बाद आपका जो भी अकाउंट होगा उस पर 1 रुपया जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका दिख जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। इसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको घुस तक पहली बार समझ में ना आए, देखो मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार जब समझ जाते हो फिर बहुत ही ईजी है, फिर बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट सेविंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड कर देता हूँ, और यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। तो एक बार देखो, जो ये ऐप में साइन अप हो चुका है, तो अब आपको दूसरे ऐप में भी साइन अप करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे देखो, मेरा क्लोन ऐप है, आपको भी क्लोन बना लेना है, आप कोई भी ऐप से क्लोन बना लेना। इसके बाद यहाँ मेरा तो रेडमी का फ़ोन है, तो इसमें डुअल ऐप से क्लोन बन चुका है। तो अब मैं इस पर टैप करता हूँ, और इस पर टैप करने के बाद आपको फिर से अपना जो डिटेल डालना है उसको डालने के बाद वेरीफाई कर लेना। देखो, आप अपना नाम भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका नाम दूसरा है। अगर आपने जैसे मानो आपके पास पेटीएम बैंक था, तो इससे मानो यहाँ पे इसमें आपको पहले दिखा देता हूँ, मानो ये ऐप है, इसमें आपने पेटीएम बैंक लिंक कर लिया है, तो इसमें आपके पास मानो इक्विटास बैंक है तो आप इक्विटास बैंक लिंक कर सकते हो इसमें, तो फिर से ट्रांजेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर मैं ये ऐप अब ओपन करता हूँ, इसमें अपना डिटेल्स वगैरह डाल के जैसे मैं पहले किया था सेम प्रोसेस को रिपीट करके इसमें भी आपको साइन अप कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्त, मेरा यहाँ पे दोनों अकाउंट, जैसे पहला अकाउंट आप ये देख सकते हो और दूसरा अकाउंट ये, तो दोनों अकाउंट जो है अब रेडी हो चुका है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके आपने जिस भी नंबर से ये अकाउंट क्रिएट किया होगा और जिस भी नंबर से आपने ये अकाउंट क्रिएट किया होगा, पहले आपको ये दोनों नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, ठीक है। एक बार जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो पहला ऐप है ये, इसको ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताता हूँ। इसका इस पे जाना है आपको, यहाँ पे देखो लैंड का बटन होगा, आपको इस पे लैंड पे जाना है, ठीक है, लैंड पे जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला जाएगा कितना अमाउंट आप लैंड कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, और जो भी आपको इसी तरह से रहने दें। और यहाँ पे यहाँ पूछा जाएगा 14% इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे जीरो ही कर देना, ठीक है। यहाँ है इंटरेस्ट, आपको कुछ किसी को देना नहीं है एक पैसा भी, जो भी आपका ही है, मैं आपको वही करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कर देना है, जीरो करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा वो दे देना है आपको, और देने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इतना सिंपल है बस, ठीक है। यहाँ पे आप गॉट इट कर देना है, बस इतना प्रोसेस किया, आपका काम खत्म हो गया, यहाँ से आप इस ऐप से निकल गए बाहर, आप प्रोसेस समझो बस, ठीक है। सिर्फ सिमिलरली आप फिर इसमें गए सेकेंड वाले ऐप में, ठीक है, इसमें गए और इसमें जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पहले अपना पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन करना है। तो मैं आप लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरा ऐप ओपन किया हूँ अपना, क्लोन वाला। क्लोन ऐप ओपन करने के बाद इसमें भी सब चीज़ सेम रखना है, इसको जीरो कर देना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जो भी परमिशन है उसको दे देना है, उसके बाद गॉट इट कर देना है, बस इतना हो गया, आपका काम खत्म है। अब क्या करना है आपको, अब इस ऐप में जो क्लोन वाला ऐप है इसमें जाना है, यहाँ पे बोरो पे, आप कोई किसी से भी पहला बार कर सकते हो, लेकिन मैं चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले बार मैं जा रहा हूँ क्लोन वाले ऐप में, इसमें जाने के बाद बोरो नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सब सेम इसे ही रहने देना है, इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करते हो, करने के बाद आपको वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो अभी जस्ट आपने क्रिएट किया है। तो मैं अभी वो नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका फिर सब चीज़ इसी तरह से रहने देना है, फिर कन्फर्म करना है, यहाँ पे कन्फर्म कर देना है यहाँ पे, उसके फिर वहाँ पे ओके कर देना है, बस इतना काम कर दिया आप। अब इसके बाद यहाँ से आपको आना है, ये जो ऐप है मैं इसको अलग कर लेता हूँ पहले ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो इस ऐप में आपको आना है अब, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐप दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे अब इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अब लॉगिन करना होगा, पहले मैं अपना पिन डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखो जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट आएगा कि आपने मतलब दूसरे आईडी से 500 रुपये का रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 का रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अप्रूव एंड पे ये कर देना है। जैसे आप ये करते हो आपको यहाँ बोला जाएगा यूपीआई से पे करने के लिए, तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या तो आप देखो यहाँ पर पे बाय यूपीआई आईडी से भी कर सकते हो, मतलब यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, या अगर आपको यहाँ पे ऐप आ रहा है जैसे मैं अभी पेटीएम से करने वाला हूँ, देखो मैं पेटीएम आ चुका है, तो मैं सिंपली पेटीएम सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो आपका पेमेंट है वो यहाँ पे जा चुका है, कट चुका है पेमेंट, और यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। और ऊपर में तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आते ही रहता है, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, लेकिन अब देख लो यहाँ 45 सेकंड के अंदर जो बोल रहा है आपका रिक्वेस्ट है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा मनी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ही आपने जो पेमेंट किया वो आपके बैंक से कट गया, जैसे अभी मैंने पेटीएम से पेमेंट किया तो पेटीएम से कट गया, लेकिन जब मैं दूसरे ऐप में मतलब जो मेरा दूसरा क्लोन ऐप है उसमें जो मैं बैंक लिंक किया हूँ उसमें चला गया होगा। तो यहाँ देखो 500 का पेमेंट चला गया, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो आप कैसे क्या करना है। इसके बाद मैं यहाँ बैक करता हूँ, बैक करने के बाद देखो यहाँ पे एक आपको रिवॉर्ड दिया गया होगा, तो बस इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद इसको यहाँ पे एक और इसे क्लेम करना है। देखो यहाँ पे क्लेम जैसे करता हूँ, यहाँ पे देखो 3 रुपये मिला, ठीक है, एग्री 3 रुपये मिले, यहाँ मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ मैं ये जो ऐप है मेरा इस पे मैं सेकेंड ऐप पे जाता हूँ। इसी तरह से आपको मतलब करना है कि मतलब आपको अच्छे समझा देता हूँ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो परेशान मत हो, मैं आपको डिटेल में अभी जस्ट समझाने वाला हूँ। पहले इसमें देख लो इसमें मुझे कितना रिवॉर्ड मिलता है। इसमें देखो एक आपको एक बॉक्स करके आता है, स्क्रैच कार्ड टी समझ लो, स्क्रैच कार्ड टाइप का ही है इसमें भी। तो इस पर जैसे मैं टैप करता हूँ, इसमें मुझे मिला है 6 रुपया। तो देख लिया आपने, इधर 6 मिला और उधर कितना मिला था, इधर मिला था मुझे 3 रुपया, तो 9 रुपया आपको एक ट्रांजेक्शन के लिए मिल गया। तो भाई देखो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि देखो आपने पहले एक ऐप और दो ऐप बना लिया अपना। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पहले एक मानो एक नंबर से आपको जाना है और बोरो करना है, रिक्वेस्ट करना है, इस नंबर पर भेजना है कि भाई आप मुझे अप्रूव कर दो। तो इस नंबर जैसे पेमेंट आपको सक्सेस होगा आपका उठ के इसमें आ जाएगा, इसका जो बैंक अकाउंट है इंस्टेंटली इस बैंक में चला जाएगा। दो बार आपको करना है, तो दो बार जब आप करोगे तो आपको दो बार स्क्रैच कार्ड टाइप का मिलेगा, जिसमें आपको 7 से 10 रुपये इस तरह से मिलता है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि आपको 20-25 रुपये मिलेगा, ऐसा नहीं होता, मिलता है बहुत को, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ 7 से 10 रुपये मिलते हैं पर ट्रांजेक्शन,
ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपने एक बार ट्रांजेक्शन कर लिया इस ऐप से, फिर से आपको इसी ऐप को ओपन करना है और यहाँ से बैक जाना है, फिर से आपको यहाँ पे बोरो करना है, ठीक है। दो बार इससे बोरो करना है और दो बार आपको इस ऐप से बोरो करना है। जब इससे बोरो करोगे तो आपको इस पर भेजना है रिक्वेस्ट कि भाई तुम अप्रूव करो, और जब इससे बोरो करोगे तो फिर इसको इसको बोलना है कि भाई तुम अप्रूव कर दो। आप सिंपली समझ लो भाई कि आप UPI ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप इस पे इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेजते हो कि इस पे चला जाए मनी, और फिर जब इस दो बार कर सकते हो, मतलब दो बार आप इससे रिक्वेस्ट करना और फिर दो बार आप इस नंबर से इस पे रिक्वेस्ट भेजना। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं चाहते हो, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं भी आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखो इस नंबर से, मतलब जो मेरा क्लोन ऐप था उसी से मैंने अभी रिक्वेस्ट किया था ना, तो फिर से मैं इसको टैप करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे जो बोरो नाउ का बटन है ना, मैं इस पर बोरो नाउ पर ही जाता हूँ। फिर से यहाँ पे बोरो नाउ करता हूँ और यहाँ पे सब चीज़ सेम, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से अपना नंबर सेलेक्ट करता हूँ जिससे आपको चाहिए होगा, फिर कंफर्म करता हूँ, एग्री करता हूँ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इनका। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुका है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर से जो मेरा मेन ऐप है, मेन ऐप पे रिक्वेस्ट भेजा हूँ, तो मेन ऐप पे जाता हूँ, यहाँ से मैं बैक करता हूँ। देखो यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट आ चुका है, तो मैं सिंपली इस पर टैप करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, इसके बाद एग्री करके अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद मुझे यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पे पेमेंट जो है वो पेटीएम से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पे 45 सेकेंड के अंदर अंदर आपका जो ट्रांसफर है वो आपके इस नंबर से उठ के दूसरे नंबर पर चला जाता है। मतलब इंस्टेंटली आपके बैंक में सेटलमेंट आ जाता है, ऐसा कहीं 1 रुपये का भी मतलब इधर उधर नहीं है, और आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपको 2 दिन के अंदर आपके बैंक में आ जाता है। और ये बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और आज मैं सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे देता हूँ। तो इसका देखो मेरा जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है, मुझे इस नंबर पे फिर से यहाँ पे आप स्क्रैच का टाइप का बोलो मिला है, तो मैं इस पर जैसे टैप करता हूँ तो इस बार मुझे यहाँ पे 5 रुपये मिला है, ठीक है। तो ये इस पे 5 रुपये मिला है, मेरा मेन ऐप पे 5 रुपये, और फिर जो मेरा क्लोन ऐप है क्लोन पे मैं जाके देखता हूँ क्योंकि मैं इसी दो में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो इसमें देखता हूँ मुझे इसमें भी एक स्क्रैच का टाइप का ही मिला हुआ है, मैं इस पर टैप करता हूँ और इसमें देखो कितना मिलता है मुझे। तो इस बार इसे मुझे 4 रुपये मिला, मतलब 9 रुपये मान लो। तो मैंने 2 ट्रांजेक्शन किया, और मतलब पहले भी 9 रुपये मिला था, अभी भी 9 रुपये मिला है। तो अभी देख लो इसमें 10 रुपये हो चुका है, और दूसरे ऐप में आप देखोगे तो इसमें 8 रुपये, मतलब 18 रुपये हो गया, मैंने 2 UPI ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस ऐप से, मेरा जो क्लोन ऐप था इससे मैंने 2 बार बोरो कर लिया है। तो देखो एक दिन में मतलब 2 बार ही बोरो कर सकते हो, इसके बाद फिर आप 2 दिन बाद जो आपका लोन ड्यू है वगैरह वो सारा पेमेंट कर सकते हो, मतलब खुद का ही है भाई, मतलब इधर से पेमेंट करोगे इधर जाएगा, तो वो कर सकते हो। फिर आप फिर से मतलब ड्यू वगैरह क्लियर करके फिर से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जब ड्यू क्लियर करोगे तो भी आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, इसमें एक अच्छी बात यह है। यहाँ देखो सेविन का जो आप मेरा इससे 2 बार मैंने बोरो कर लिया है, मतलब इससे मैंने 2 बार रिक्वेस्ट भेजा इस पे और इन्होंने अप्रूव कर दिया इस नंबर से। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला अकाउंट को ओपन करना है और इससे रिक्वेस्ट करना है कि भाई तुम अप्रूव करो। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाहूँ, भाई मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो भी लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन भाई आपको जितना देखना है, मतलब जब तक समझ नहीं आए तब तक आप देख लेना, ऑफर बहुत ही तगड़ा है भाई, आप हर 2-3 दिन में ऑफर को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको सेविन वाले पर फिर से टैप करता हूँ मेन ऐप को, अब मेन ऐप से मैं यहाँ पर बोरो पर जाता हूँ, यहाँ पर जिसका फिर बोरो नाउ पर जाता हूँ। अमाउंट में आपको 500 रुपये रहने देना है और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिससे भी आपको रिक्वेस्ट करना है, तो मैं अपना नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, उसके बाद फिर आई एग्री करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ इसका। देखो यहाँ फिर ओके कर देता हूँ, बस आपको इतना करना है। इसके बाद फिर आपका जो ये नंबर होगा इस पर आपका रिक्वेस्ट जाएगा, तो मैं यहाँ पर ओपन करके यहाँ बैक करता हूँ। देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुका है, यहाँ पर किसी ने आपसे 500 रुपये का रिक्वेस्ट किया है, आपको सिंपली इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अप्रूव एंड पे कर देना है। देखो एक दिन में आप 2 बार ही कर सकते हो, मतलब एक नंबर से 2 बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा करोगे तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID डाल के पेमेंट कर देता हूँ। तो भाई मैंने देखो 500 का पेमेंट जो वो सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कर दिया है, और यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग में जा चुका है 45 सेकंड के लिए प्रोसेसिंग में। तो जैसे 45 सेकंड खत्म होता है, मतलब उससे पहले ही आपको आपने जो भी पेमेंट किया होगा वो आपके रजिस्टर्ड बैंक में, मतलब जो भी आपने लिंक किया होगा उसमें चला जाता है, आप चेक कर लेना। मैं आपको लास्ट में होगा तो दिखा भी दूंगा, क्योंकि जो मेरा जो अकाउंट है ना वो जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस फोन में, नहीं तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाते जाता। तो ये भी मैं यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जैसे सक्सेस आता है आपको एक स्क्रैच कार्ड टाइप का मिल जाएगा, तो सक्सेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद यहाँ से मैं बैक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे फिर से मुझे एक रिवॉर्ड टाइप का ही मिला हुआ है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ और फिर से इसको मैं जैसे ओपन करता हूँ, देखो कितना मिलता है इस बार। तो इस बार मुझे यहाँ पे 6 रुपये मिला है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद ये मेरा था क्लोन ऐप। तो अब मैं यहाँ पे अपना मेन ऐप पे जाता हूँ, ठीक है। मेन ऐप पे गया, मेन ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे देखो इस पर रिवॉर्ड फिर से मिला हुआ है मुझे, यहाँ पे जैसे मैंने बोरो किया, तो मैं इस पर भी टैप करता हूँ, देखो इस पर मुझे कितना मिला है, और इस बार मुझे मिला है 2 रुपया। तो कितना हुआ, 6 और 2 8 रुपया, तो मतलब 7 रुपये जो मैं बोला हूँ वो तो मिनिमम मिल ही रहा है भाई आपको। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ देखो फिर से यहाँ पर अब टोटल जो है वो 10 रुपया हो गया इस नंबर से। फिर से आपको क्या करना है, आपको फिर से मतलब मेन ऐप का ही 2 बार आपने इससे बोरो किया था, 2 बार आपको इससे, मतलब फिर से आपको सेविन पे जाना है, फिर से यहाँ पे बोरो पे जाना है और यहाँ पे बोरो नाउ पे जाना है, और इसके बाद फिर से सब चीज़ सेम नेक्स्ट करना है और
नंबर सेलेक्ट करना है, कंफर्म करके एग्री करके कंफर्म कर देना है, बस हो गया। इतना करना, आप मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। फिर से आपको ये ऐप ओपन करना है जिस पर आपने रिक्वेस्ट भेजा होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुका है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, एग्री करके अप्रूव कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर UPI से पेमेंट कर देना है। तो देख लो, जैसे मैंने पेमेंट किया वहाँ पे प्रोसेसिंग आ चुका है, और थोड़ी देर के अंदर जो आपका ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आगे मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ देख लो, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो बस यहाँ देखो, आपको एक फिर से रिवॉर्ड टाइप का ही मिला हुआ है यहाँ पे। इसको मैं स्क्रैच करके देखता हूँ कितना रुपये मिला है मुझे इस बार। तो भाई इस बार मुझे 3 रुपये मिला है, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना, ये था मेरा क्लोन ऐप, तो अब मैं यहाँ पे मेन ऐप में जाता हूँ, यहाँ से मैं बैक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे रिवॉर्ड मिला हुआ है इसमें भी मुझे, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें मुझे 3 रुपया मिला है, तो इसमें कितना मिला था, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, टोटल अभी मुझे 6 रुपया मिला। मतलब मैं 7 बोला हूँ, लेकिन आप मान सकते हो कि एवरेज में बोला हूँ 7, उससे ऊपर ही आपको मिला है। तो टोटल मैंने 4 ट्रांजेक्शन किया UPI से, और इसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिला है, वो मिला है 19 रुपये का और 13 रुपये का। आप देख सकते हो इसमें मुझे 13 रुपये का रिवॉर्ड मिला, और इसमें मुझे 19 रुपये का रिवॉर्ड मिला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन किया UPI का, और 4 UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पे टोटल 32 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिला है। तो एक ट्रांजेक्शन का वैल्यू अगर मैं बात करूँ, तो एक UPI ट्रांजेक्शन के लिए आपको लगभग 8 रुपये मिले थे। मैंने कितना बोला, 7 रुपये, लेकिन आपको मिला कितना, 8 रुपये। तो ये एवरेज है भाई, ठीक है, आपको 7 रुपये मिल सकता है एवरेज, 8 रुपये मिल सकता है एवरेज। तो आप समझ गए कि किस तरह से ऑफर को अप्लाई करना है, और आपका जो भी रिवॉर्ड है ना, ये आपको 2 दिन में आपका बैंक अकाउंट में जो भी आपने लिंक किया होगा उसमें आ जाएगा। अब भाई देखो, इतना मैंने समझा दिया है, अब इसके आगे कुछ भी बताना होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा कि आपको रीपे किस तरह से करना है। क्योंकि रीपे नहीं भी करते देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका ये ऐप है, आपने खुद से ही लोन लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बाकी रीपे भी कर देते हो तो और अच्छा होता है, कि मतलब आपको एक और रिवॉर्ड मिल जाता है। इस तरह से कुछ करना होता है, और आप हर 2 दिन में इस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपका जितना नंबर होगा, आप हर 2 दिन में 30 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये करके अर्न कर सकते हो। तो भाई देखो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।